प्राइवेट कैरियर होने के बाद किस तरीके से उसमें ट्रांसफर आएगा, ये सब चीजें अभी शुरू होगा, क्योंकि इसके पहले उनमें एक आइडिया रह सकता था, लेकिन अभी प्रैक्टिकल काम सिविल एविएशन मंत्रालय और टाटा सन्स में शुरू होगा कि किस तरीके से इन सारी चीजों को धीरे धीरे टाटा समूह ने जीत ली है। टाटा ने आज 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती और टाटा सन्स के सहायक समूह टैलिस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया की निविदा के लिए सफल घोषित किया गया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई थी और दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट यानी दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने यह जानकारी दी। सन्स एसपीवी हैज इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल बिडर फॉर द सेल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ जीओआई in Air India, in AIXL, which is a subsidiary of Air India as a part of this transaction, and 50% of Air India in AISATS, which is another joint venture of Air India, along with management control. Now, going forward from this, a letter of intent will be issued, an SPA will be signed with successful bidder. Conditions precedent will be completed by long stop date. Financial statements on long stop date will be prepared and agreed with the successful bidder as per the share purchase agreement already agreed upon. And transaction is expected to close by the end of December 2021. और इंडिया के कर्मियों की बात करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने बताया है कि आज की तारीख में एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं, जिनमें से 8,084 स्थायी कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,434 कर्मचारी हैं और इन सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं। The government has addressed all the concerns of the employees. I'll point out some of the concerns here. First and foremost, the winning bidder will retain all employees, which means they will not retrench anybody for a period of 1 year. Thereafter, for the second year after the first year, they will retain all the employees, and if anybody is to be